फैमिली, कैसे हैं सब। मैं जा रही हूँ सुबह सुबह मार्केट। जी हाँ, आज हम संडे और संडे की मार्केट जा रहे हैं और कुछ सामान लेना है। क्या लेना है? पेड़ों के लिए सामान लेना है, कुछ घर के लिए नहीं लेना है, तो पेड़ों के लिए सामान लेना है तो संडे के ही मार्केट में मिलता है। तो चलिए चलते हैं। तो आप देख सकते हो कि रोड पे कितना सन्नाटा है, मॉर्निंग का टाइम है और आप देख सकते हो क्योंकि अभी दुकानें नहीं खुली हैं तो इसी वजह से कुछ दुकानें खुल गई हैं। सर्दी बहुत है भाई। हम लोग पहुंच गए हैं मार्केट, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर पहुंच गए हैं और हम लोग जा रहे हैं फ्लावर्स लेने। मार्केट आपको दिख ही रहे होगी, कितने सारे फ्लावर्स लगे हैं संडे की मार्केट में। जो लखनऊ वाले हैं वो जान गए होंगे कि कहाँ की मार्केट है। तो ये देखिए कितने सुंदर सुंदर है। आप केवल फ्लावर्स देखिए, कितने दूर तक लगे हैं। इस मार्केट में सारे फ्लावर्स मिलते हैं, हर वैरायटी के सीजन वाले फ्लावर मिलते हैं, ऑल टाइम वाले भी मिलते हैं। तो आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। बहुत सारे लोग आ गए हैं अपने घर के लिए फ्लावर लेने। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये मार्केट जो है फ्लावर्स की बहुत दूर तक लगती है। आपको दिखाती हूँ कहाँ तक ये लगती है। आप यकीन नहीं करोगे इतनी दूर तक लगती है। मैं आई हूँ एक्वेरियम की शॉप, हस्बैंड को लेना है घर के लिए फिश। देखते हैं कौन सी पसंद आती है, तब डिसाइड होगा कि लेते हैं कि नहीं लेते हैं। मगर फिश बहुत अच्छी अच्छी है, आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फ़िश कितनी प्यारी प्यारी है। मुझे सबसे छोटी वाली जो फ़िश है ये फ़िश बहुत अच्छी लगी थी। इसमें रेडियम है, ये रात को अंधेरे में चमकती हैं। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही हैं। सारी फ़िशें बहुत प्यारी प्यारी लग रही थी, कुछ यूनिक भी थी मुझे जैसा लगा। तो मैंने कहा उसको आपको दिखा देते हैं। लखनऊ का चर्च दिखाते हैं आपको, क्योंकि हम लोग घूमने के इरादे से तो नहीं आए थे। तो जैसे मैंने आप सबको बताया कोई भी प्रोग्राम नहीं था घूमने का, तो मैंने कहा चर्च आए हैं तो देख ही लेते हैं। अंदर मैं नहीं गई थी, नहीं तो कैंडल जलाने जरूर जाती थी। तो ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, चर्च बहुत सजा है। अभी तो मॉर्निंग का टाइम है, रात को बहुत ज़्यादा रौनक हो जाएगी यहाँ पर। हस्बैंड ले रहे हैं पूरी, हम लोगों ने सोचा गर्मा गर्म पूरी ले लेते हैं, खस्ते मर रहे हैं तो ले रहे हैं। लोग घर आ गए हैं और गर्मा गर्म पूरी खाने जा रहे हैं, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। बढ़िया बढ़िया बूढ़े की नारी मिले मन मत करे खा लो। तो सब लोग बैठ गए हैं नाश्ता करने। तो ये देखिए इधर तेजस हैं, कर रहे हैं हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू। तुम बालों की हालत क्या हो रही है, क्रूर सिंह हो रहे। पूरी कैसी लगी, बढ़िया लगी? तो तेजस बना रहे हैं केक, चलिए आपको दिखाते हैं। सारी मेहनत तेजस की कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ इनको आइडिया दे रहे हैं। तो तेजस जो है बिस्किट वाला केक बना रहे हैं। तो इन्होंने सारे बिस्किट को ग्राइंड कर लिया। कौन कौन से थे मैं आपको बता दूं, इसमें थे टाइगर बिस्किट और एक पैकेट ओरियो था और एक दो पैकेट पाले जी था। तो सारे बिस्किट को मिक्स करके इन्होंने एक ग्राइंड कर लिया है और यहाँ पर शुगर जो है इन्होंने ग्राइंड कर ली है। ये देखिए सारा काम तेजस ही कर रहे हैं। बहुत देर से पीछे पड़ा था कि माँ बनाओ, तो मेरी तबीयत नहीं सही थी तो इस वजह से मैं नहीं बना पा रही थी। उसने कहा कि आज मैं बनाऊंगा, तो मैंने कहा चलो इसी बहाने सीख भी जाओगे। तो यहाँ पर उन्होंने शुगर और बिस्किट को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। ये लगभग लगभग आधा किलो का बैटर था। यहाँ पर नट्स लिए हैं, जो भी घर में थे वही यूज़ किए हैं और सारे मिक्सचर को मिक्स कर देंगे। ये देखिए तो बाउल हमें लग रहा था छोटा पड़ जाएगा, तो फिर हम लोगों ने जो है
दूसरा बाउल डिसाइड किया कि दूसरे बाउल में इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये छोटा पड़ रहा है, तो अभी शुगर बहुत अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुई है, इसको पहले मिक्स करेंगे शुगर को, नहीं तो कहीं मीठा कम होगा कहीं ज़्यादा होगा तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। और बाउल चेंज कर दिया है, बड़े से बाउल में कर दिया है, तो मैंने कहा कि लो अच्छा मिक्स मैं कर देती हूँ, क्योंकि ये तेजस नहीं कर पाता है, छोटा है अभी, तो बस मैंने मिक्स कर दिया था शुगर को। और यहाँ पर जो है आप सभी जान गए होंगे टूटी फ्रूटी वो ऐड की है, ये भी थोड़ी सी घर में रखी हुई थी, ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी रखी हुई थी, तो मैंने इसको ऐड कर दी है। हर साल 25 दिसंबर को मैं कुछ ना कुछ बनाती थी, कुछ ना कुछ करती थी, मगर इस साल मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरा तबीयत भी नहीं सही थी और मेरा मन भी नहीं हो रहा था कुछ करने के लिए। क्या वजह थी किसी दिन और बताऊंगी। थोड़ी बहुत मैंने तेजस की हेल्प की है केक में, तो वो मिक्सचर मिक्स कर रहे हैं और मैं क्वांटिटी उनको बताती जा रही हूँ। हर साल मैं बनाती थी, आप पहले नीचे जाकर मेरे व्लॉग्स में देख सकते हो 25 दिसंबर किस तरह से मैं सेलिब्रेट करती थी, कुछ ना कुछ करती ज़रूर थी, मगर इस साल बिल्कुल नहीं किया है जो बात है। तो बस देखिए यहाँ पर जो है मैं बहुत अच्छी तरह से तेजस से कह रही हूँ, उसको मिक्स कर लो बेटा बहुत अच्छी तरह से, नहीं तो बेकार हो जाएगा। तो बस तेजस ने मिक्स कर लिया और इसको माइक्रोवेव वाले बाउल में रख दिया था मिक्सचर को बटर ग्रीसिंग करके, क्योंकि अगर आप ग्रीसिंग नहीं करोगे तो आपका केक नहीं निकल पाएगा। तो बस 20 से 30 मिनट के लिए लगाया गया था, ये केक हो गया है, केक बन गया है, चलिए आपको दिखाते हैं। केवल मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ और बनाया तेजसी ने है, देखते हैं कि कैसा लगता है। कहने लगा कि मम्मा मैं ही निकालूंगा, मैंने बनाया तो मैं ही निकालूंगा, मैंने कहा चलो निकालो सीखो। तो फिर उन्होंने केक को निकाल लिया है और बच्चे वही सीखते हैं जो आप घर में करते हो। मैं हर साल बनाती थी, इस साल मैंने नहीं बनाया, फाइनली केक बन गया है और आप देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा आप गरम गरम में निकाल दोगे तो केक उतना आराम से पेपर उससे निकल जाएगा, वरना नहीं निकल पाता है। तो ये देखिए अभी भी धुआं निकल ही रहा था, तो केक बहुत अच्छा लग रहा है, जितना देखने में अच्छा लग रहा है फ्रूट केक, उतना खाने में भी टेस्टी था। सस्ता सा अच्छा से बढ़िया से बजट में बन गया केक। मैंने कहा अब तुमने बनाया है तुम ही कट करो, तो ये देखिए तेजस कट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो साईं बाबा को हम चढ़ाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ बनती है तो मैं साईं बाबा को ज़रूर चढ़ाती हूँ। तो केक बनाया था तो आज के दिन तो मुंह मीठा कराना ही कराना था बाबा का। तेजस ने केक खाया और वाकई में बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। अब उसका रिएक्शन देख के समझ गए होंगे, और हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा था। और फिर मैंने टेस्ट किया और देखिए इतनी जल्दी इतना ख़त्म हो चुका है, वाकई में बहुत टेस्टी था, बहुत यमी था।